अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द जर्नी डॉटिंग के साथ। हमारे सीरीज है डे 12, सैरी की तैयारियां हो रही हैं और मैं बनवा रहा हूँ माँ के साथ सैरी। तो उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त अहबाब भाई और उनकी बहनें सब सही होंगे। तो मैं बना रहा हूँ पराठा, इस टाइम ये पराठा मैं बना रहा हूँ ताकि अम्मी की हेल्प आउट रहेगी सैरी की तैयारी के दौरान। तो यारो पराठा तो मैं अच्छा बना ही लेता हूँ, क्या कहते हो तुम दोस्तों? 12वीं सैरी हम लोग कर रहे हैं आज के दिन, और मतलब कि 11 रोज़े गुजर गए, 12वीं सैरी हम करने जा रहे हैं। बहुत ही जल्दी गुजर रहे हैं रमज़ान और बहुत ही अच्छे गुजर रहे हैं। तो इट्स गुड, अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं, अच्छे वाइब भी हैं। रमज़ान का आना बहुत ज़रूरी है। ऑमलेट भी तैयार हो गया है हमारे पास, ऑमलेट है थेनी मेरी अम्मी ने बनाई है। और ये मैं आपको तब दिखाऊँ तो ये जो चीज़ रखी हुई है ना, ये है सऊदी स्वीट, दुबई से आई थी हमारे घर पे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अच्छा जी, जोहर की नमाज अदा कर ली थी और सीन कुछ ऐसे हैं आज के कि आज मैं बना रहा हूँ अफ्तारी। तो अफ्तारी जो मैं बना रहा हूँ, तो आज मैं बहुत सारे आइटम बना रहा हूँ, बहुत सारे आइटम तो नहीं खैर, लेकिन थोड़े बहुत आइटम बना रहे हैं। आइटम्स में फिल वक्त जिसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ उनमें है हमारे पास चाट, छोले मैंने उबाल लिए हैं, इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग मैंने कर दी है, प्याज मैंने काट दी हैगी, ठीक है, और बिल्कुल मैं रेडी हो रहा हूँ। और इसके साथ साथ मैं बना रहा हूँ बिरयानी, क्योंकि मुझे, मैं ख़ुद को बहुत बड़ा बिरयानी एक्सपर्ट समझता हूँ। तो बिरयानी के लिए फिल वक्त तो चावल बॉयल हो रहे हैं, ये मेरे चावल बॉयल हो रहे हैं, चावल मैंने भिगो के बॉयल पे चढ़ा दिए। ये मेरी टमाटो प्यूरी रेडी हो चुकी है, लेकिन एज यूजुअल गैस नहीं आ रही भाइयों, गैस तो आ ही नहीं रही। मेन मसला हमारा गैस का कि गैस आ नहीं रही, तो उम्मीद करते हैं रोज़े से पहले पहले गैस आ जाए ताकि मैं अच्छी से एक अफ्तारी बना सकूँ आज के। तो प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं और बीच में आपको दिखाते रहते हैं। चाट तैयार करने के लिए टमाटर, इमली का पेस्ट, प्याज एंड चाट मसाला एंड ये चाट रेडी है। ये है मेरी अपनी छुरी, माई पर्सनल नाइफ। तो ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं चाट। तो भाई अभी मैंने इसमें डाल दिए हैं चॉप हुई प्याज, टमाटर, चाट मसाला और अब इसमें ऐड करेंगे इमली का पेस्ट। तो ये बन जाएगी चटपटी चना चाट। ओ सॉरी, हरी मिर्चों को तो मैं भूल गया था, हरी मिर्चें भी जाएंगी इसके अंदर, हरी मिर्चें, इमली का पेस्ट और ये सारे तो एडिट हैं। तो यार ये देखो, ये चाट की गार्निशिंग तो मैंने कर दी है, अब इसको हम करेंगे मिक्स, ताकि मिक्स करने के बाद देखेंगे कि कैसा टेस्ट है। तो भाई ये बन गई है चटपटी चना चाट। नहीं अभी हम इसको टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि रोज़ा है, तो रोज़ा इफ्तार के टाइम पर चलेगा किस तरह का जायका है। तो भाई किचन किंग्स कंपनी सिटीज़ कंपनी है, अब हमने पहले तो इसको साफ करा है बर्तन को, इसमें बनाएंगे अपनी बिरयानी, वो भी आलू वाली। और इस टाइम ये जो है मेरे पास बेसन और पकौड़ों का मसाला है, तो इसके बनेंगे गर्मा गर्म पकौड़े। ये पकौड़े बहुत ज़रूरी हैं, तो ये बेसन और मसाला मैंने ऐड कर दिया, अब इसको मिक्स करेंगे ताकि अब पकौड़ों का आमेज़ा बन जाएगा। तो अच्छे से पहले हमने आमेज़े को मसाले मिक्स कर लेना है। मामा ऐड सॉल्ट, हसब ज़ायका, और ये मिक्स कर रहा हूँ। तो बिरयानी की तरफ वापस आते हैं, बिरयानी के लिए हमने पहले पतीली साफ़ करने के बाद गर्म होने दी, अब ऐड करें हमने इसमें ऑयल और अब इसमें करेंगे फ्राई प्याज। ये मैंने आलू डिप करके रखे हुए थे जर्दे के रंग में ताकि वो बाजार टाइप लुक आए। ये प्याज मैंने डाल दिए और इसको अब हम फ्राई करेंगे, लाइट ब्राउन करेंगे और फिर इसको निकाल लेंगे ताकि जब बिरयानी हमारी बिल्कुल तैयार हो जाए तो उसके ऊपर ये गार्निशिंग के लिए काम आएगी। तो यार ये देख रहे हो आप,
ये बन रहा है अमेज़ा उसका पकौड़ों का, उसमें मैंने ऐड करा है थोड़ा सा धनिया ताकि अच्छा सा ये पेस्ट बन जाए। मुझे लग रहा है कि आज का रोज़ा मुझे लग सकता है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि रोज़ा ना लगे। और मौसम अच्छा है, हवा चल रही है और तैयारियां भरपूर हैं, और कोशिश ये कि गैस अगर आ जाए जल्दी से तो ये काम थोड़ा तेज़ हो जाएगा। और कहाँ तक पहुँची भैया हमारी प्यास? तो यार गैस बहुत स्लो आ रही है यार, व्हाट इज दिस बिहेवियर। हल्की हल्की ब्राउन होना शुरू हो गई है, इसको थोड़ा सा और सौते होने देते हैं। एक आइटम तो तैयार हो गया हमारा चना चाट का, बाकी दूसरे पकोड़े, तीसरे बिरयानी और दही बड़े अम्मी के। तो ये सर्दी के दिन में आलू डाले हुए थे, अब उनको हम निकालेंगे ताकि ये थोड़ा ड्राई हो। रंग तो काफ़ी अच्छा आ गया है, चलते हैं प्याज की तरफ। तो भाई प्याज का क्या सीन है? प्याज हो रही है, ऑलमोस्ट हो जाएगी, वेट कर रहे हैं, गैस कम आने की वजह से थोड़ी लेट। तो भैया फाइनली गैस तो नहीं आ रही, लेकिन फाइनली हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी हमारी प्याज जो है ब्राउन होना शुरू हो गई है। तो भाई प्याज हो गई है फ्राई, इसको निकालते हैं और तैयारी करते हैं बिरयानी की। सारा ऑयल मुझे ड्राई करना है, तेल अगर ज़ाया करना ना तो मेरी अम्मी जो है ना मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट कर देंगी। प्याज को निकाल ही रहा था कि यहाँ पे चावलों ने कहा कि हम भी उबल गए हैं, तो चावल भी मेरे बॉयल हो गए। जल्दी करते हैं दोनों चीज़ें, लेट्स गो। ये चावल जो मेरे बॉयल हो चुके हैं भाप मारते हुए, ये ड्राई होंगे ताकि इनका पानी ड्राई हो जाए और कुछ अंदर यहाँ बच भी गए उनको भी निकाल लें, फिर बनाएंगे बिरयानी। बिरयानी की तैयारी करें। तो भाई यहाँ तेल हमारा गरम है, गरम हो चुका हूँ, अब ऐड करेंगे टमाटर प्यूरी इसके अंदर जल्दी से। तो लेट्स चलो लेट्स गो। तो भाई डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी डालेंगे रेड चिली क्रश हुई भी, थोड़ी सी डालेंगे ग्रीन चिली और रेड क्रश चिली डालेंगे, थोड़ा सा इसको हम मिक्स करेंगे। मसाला तो भुन रहा है हमारा, अब इसमें नमक वगैरह ऐड करें, लेकिन अभी चख नहीं सकते क्योंकि रोज़ा है यार। असल तो अफ्तारी के टाइम पे पता चलेगा जायका कि किस तरह का है। तो यार ये मसाला तो भुन गया हमारा, ठीक है, इसमें मैंने अपने घर के मसाले भी ऐड करें, ठीक है, और इस जायके को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए मैं इसमें डालूँगा एक पैकेट शान स्पेशल बम्बई बिरयानी मिक्स रेसिपी मसाला, क्योंकि शान का ये मसाला बेहतरीन है जायके के लिहाज से, और आपकी बिरयानी को जो मैंने घर के मसाले ऐड करे हैं उसके ऊपर ये मसाले भी ऐड करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त जायका और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। तो शान इज़ द बेस्ट। मेरा मसाला तो भुन रहा है, अब डालेंगे इसमें ये बिरयानी मसाला ताकि और मसाला जायकेदार बिरयानी का बन जाए। तो मेरा मसाला होगा जो बहुत अच्छी हो जाएगी, घर के मसाले ऐड करें
उसमें एक पैकेट मैंने ये डाल दिया स्पेशल बम्बई बिरयानी मसाला अफशान। अब इसी मसाले में ऐड करेंगे पानी और उसमें डालेंगे आलू ताकि आलू गल सकें। ये तो हमारे आलू इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, और मिक्स कर देंगे और इसको हम ढक देंगे ताकि आलू गल सके। अब इसको हम ढक के रख देंगे ताकि जो हीट है पानी की उसके अंदर आलू थोड़ा गल सके हमारा, और फिर देखते हैं। तो यार जब तक आलू गलते हैं हम तैयारी करते हैं पकौड़ों की। पकौड़ों के लिए मैंने तेल डाला हुआ है, आँच इतनी मरमर कर आ रही है ताकि ये गर्म हो तो हम पकौड़े फ्राई करें। वाह यार, पकौड़ों का हमेशा तो बड़ा ही स्वादिष्ट लग रहा है भाई, घर बिल्कुल फैल गया है, तो किचन एरिया साफ सफाई भी होगी और अफ्तारी भी बनाएंगे, लुक्स नाइस। तो यार तेल गर्म हो चुका है, हमेशा तैयार है और इसमें फ्राई करके निकालना है मुझे, लेट्स गो। पकौड़े फ्राई हो रहे हैं और यहाँ पे मेरे ख्याल से आलू भी ऑलमोस्ट गलने वाला है। वो आजू बाजू क्या ही रंग है, बड़े ज़बरदस्त फ्राई हुए हैं यार पकौड़े। तो भाई पकौड़े तो ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं और बिरयानी का आलू भी ऑलमोस्ट गलने वाला है, तो लेट्स कुक। जल्दी नहीं बन जाए यार, रोज़ा लगना शुरू हो गया है। तो यार मेरे आलू तो गलने वाले हैं, इसे गल जाए तो फिर चावल डाल के बिरयानी दम पे लगाएं। यार एक दो मिनट के लिए मैं लेट गया हूँ, थोड़ा बहुत रोज़ा लगना शुरू हो गया था और चूल्हे के सामने खड़ा होना इतना आसान नहीं है, लेकिन सही दो मिनट के लेट आऊँ तो वापस उठते हैं। ये मेरा मसाला तो हो गया तैयार, थोड़ा सा मसाला निकालेंगे ताकि तह लगाएंगे। भाप आ गई, तो यार ये चावल डाल दिए, ठीक है ना, तो तह लगाएंगे इसके ऊपर एक और लेयर की तह और गार्निशिंग के लिए। सही है भाई, ये तह ऊपर भी लगा दिए, जो प्याज फ्राई करी थी गार्निश करेंगे ऊपर। बिरयानी को दम पे रखेंगे ना। तो भाई ये हो गया, ऊपर गार्निशिंग हो गई है, ठीक है, और ये डालेंगे धनिया पुदीना, धनिया पुदीना ताकि बड़ी ही अच्छी खुशबू आएगी, ठीक है जी। अब रख दी बिरयानी को हमने दम के ऊपर ताकि बिरयानी को दम लग जाएगा, तो ये रेडी इसको मिक्स करेंगे। जब तक ये सारी चीज़ तैयार हो रही है हम बर्तन धो दें, लेट्स गो। तो भाई सारे बर्तन मैंने धो दिए और बिरयानी मेरी दम पर है,
ओके तो बर्तन सारे धो दिए हैं, ठीक है, और बिरयानी दम पर लगी हुई है। तो अब मैं फटाफट से जाता हूँ, फ्रेश होता हूँ, नमाज असर अदा करता हूँ और फिर एक तो जगह जाके मुझे अफ्तारी दी है, देख के भी आनी है, देखते हैं हमारी बिरयानी कैसी बनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नमाज के फौरन बाद। तो भाई मैं फ्रेश हो गया, मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली, अब चले जाते हैं बिरयानी को दम से हटा के मिक्स करते हैं, देखते हैं किस तरह बनी। कर रहे हैं तो बड़ी ही लजीज मालूम होती है, अफ्तारी का टाइम पे पता चलेगा कि कैसी बनी है। अच्छे से मिक्स कर लिया जाए इसको, सही है जी। तो बड़ी ही अच्छा रंग आ गया है मेरी बिरयानी का। तो बस भाई जल्दी से ये सारी सेटिंग बनाते हैं और अफ्तारी देकर आते हैं, और टाइम कम रह गया। तो यार ये पहली ट्रे तो तैयार हो गई है, बिरयानी, फ्रूट, चाट, समोसे पकौड़े, खजूर के साथ पहली अफ्तारी में देने जा रहा हूँ। सेकंड ट्रे तैयार है। तो भाई मैं अफ्तारी देकर आ चुका हूँ, रोज़े का टाइम करीब होने वाले हैं, बस अब एक अफ्तारी देने रहिए, वो है नीचे शाहरुख भाई को देकर आनी है, उसके बाद रोज़ा अफ्तार करेंगे और देखते हैं आज के दिन पे आगे किस तरह इख्तिताम होगा। मिलते हैं अफ्तार के टाइम या रोज़े के बाद। अल्लाह हाफ़िज़। तो भाई ये देखो जोएब, मैं आगे जौहर के नए आए फ्लाईओवर पे, जौहर का नया फ्लाईओवर जो खुला था, हमने कहा चलो टेस्टिंग कर कर आएँ। भाई चलो पता चलता फ्लाईओवर लाइटें लगी गई ना, खुला है फ्लाईओवर जौहर वाला, सही है ना भाई? अच्छा खुला है ना भाई, शर्ट से मैच हो रहा है, मैचिंग मैचिंग। और फिर मेरा दिल शाम को पहुंचा, हम लोग जौहर गए, जौहर से घर आ गए।